ले या पुरानी गाड़ी ले, तो इस सीएनजी लगे टोटल काम में, टोटल काम में कितने की सीएनजी वो है कि आप डीलर से ना फंसे, उसको चालू काम जिसको कहते हैं चालू काम। मिस्टर सोनू में, और मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में। निकला था सुबह लगभग 10:30 बजे आज मैं, और मेरी पहली ट्रिप अभी लगी है आईआईटी से दिल्ली विश्वविद्यालय के पास में, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 19 किलोमीटर और फेयर मिला है समथिंग। तो इस प्रकार से आज स्टार्ट हुआ है सुबह, यहाँ भी खड़े हैं, देखते हैं कोई बुकिंग आ जाए फिर निकलते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं कि नई गाड़ी ले या पुरानी गाड़ी ले, तो इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा नई गाड़ी के फायदे, पुरानी गाड़ी के फायदे, और लास्ट में अपना एक कैलकुलेशन आपको दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास था, वहां से मेरी जो ट्रिप लग गई थी वो लगी थी विष्णु गार्डन के लिए, जिसमें गाड़ी मेरी 14 किलोमीटर चली और फेयर मिला 218 रुपए। वहां पे था, वहां पे कैंसिलेशन का 15 रुपए मिला एक ट्रिप का। सो दोस्तों अभी लगभग रात के बज रहे 9 और मैं खड़ा हूँ इस समय वसंत विहार के अंदर। सो आप सोच रहे हैं सुबह से डायरेक्ट रात में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस आज का जो अर्निंग बताना है वो थोड़ा सा अलग है। इस प्रकार से है, मैं आपको बता के थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। एंड फाइनल टॉपिक पे आएंगे अपने, कितने की सीएनजी लगी, टोटल काम में कितने की सीएनजी लगी है। अब 2600 रुपए का काम हो गया, लेकिन इसमें सीएनजी कितनी लगी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या पुरानी गाड़ी खरीदनी चाहिए ये भी बताऊंगा। सो विष्णु गार्डन से दोस्तों मेरी जो ट्रिप लगी थी वो लगी थी मयूर विहार के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 31 किलोमीटर, फेयर मिला है 371 रुपए और टाइमिंग लगा है 52 मिनट। जस्ट मैं वहां खड़ा ही था कि वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई मयूर विहार से ही, वो आ गई मेरी अपना निर्वाण विहार के लिए। निर्वाण विहार में मेरी गाड़ी 9 किलोमीटर चली है और टाइम लगा है 21 मिनट और फेयर बना है 143 रुपए। वहां पे मैं था, वहां से जैसे ही मैं वहां पहुंचा था वहां से मेरी एक और ट्रिप लग गई, वो लग गई अपना साकेत जो हौजखास के पास पड़ता है, वहां की ट्रिप लग गई। मेरे इधर की थी तो मैंने बोला चलो ये भी ले ले। 17 किलोमीटर की ट्रिप थी जिसमें मुझे टाइमिंग लगा 37 मिनट और फेयर मिला 228 रुपए। वहां पे मैं खड़ा ही था, मैंने उनको छोड़ा था, 5-7 मिनट बाद मेरी एक और ट्रिप लग गई सैनिक फार्म की, जो साकेत से थोड़ा पीछे पड़ता है सैनिक फार्म, वहां की मेरी ट्रिप लग गई। 4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, उसमें मुझे 101 रुपया मिल गया। सैनिक फार्म से मेरी एक और पिकअप आ गई मालवीय नगर के लिए, खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर के लिए, वहां से मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। 4.6 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, टाइमिंग लगा 17 मिनट और फेयर मिला मुझे 128 रुपए। जस्ट मैं वहां था ही कि मेरी वहां से एक और ट्रिप आ गई वसंत कुंज के लिए। दोस्तों वसंत कुंज मॉल के लिए थी, जिसमें मेरी गाड़ी चली है लगभग 10 किलोमीटर और फेयर मिला है मुझे 174 रुपए। वहां पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया एंड वहां से मेरी ओला में पिकअप लग गई थी। ओला में पिकअप लगा, वहां मैंने कस्टमर को पिकअप किया, देन मैंने उनको कालका जी छोड़ा, उसमें मुझे शायद 210 रुपए मिले हैं, 210 रुपए मिले हैं मुझे ओला के अंदर। फिर मैंने ओला डिवाइस बंद ही कर दिया, मैंने बोला तुमको चलाना ही नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर थे वो बड़े ही बदतमीज थे, बहुत ही बदतमीज कस्टमर। चलो खैर मिलते रहते हैं, हमें तो रोज का ही काम है हमारा। वहां पे था मैं, वहां से मेरी एक और ट्रिप लग गई पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जिसमें 21 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और टाइम लगा है 47 मिनट और फेयर बना है 298 मेरा, लगभग 2 रुपए कम 300 में। फिर मैं वहां था, वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई करोल बाग के लिए। करोल बाग मैंने कस्टमर को पिक किया एंड फिर ड्रॉप किया, लगभग 7.4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और टाइम लगा है 28 मिनट और जो फेयर मिला है वो मुझे मिला है 161 रुपए। वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई, मैंने गोहूम लगा लिया था वसंत कुंज के लिए, तो मेरी एक और ट्रिप आ गई अपना रविंदर नगर,
इंडिया गेट के पास में पड़ता है रविंदर नगर, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 7.3 किलोमीटर, टाइम लगा है 15 मिनट और फेयर मिला है मुझे 158 रुपए। उसके बाद मेरी लास्ट ट्रिप थी आज की, रविंदर नगर से ही मेरी एक और पिकअप आ गई, रविंदर नगर और खान मार्केट दोनों एक ही है, तो वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई वसंत विहार के लिए। वसंत विहार में लेकर आ गया कस्टमर को, 9.2 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, टाइम लगा है 20 मिनट और फेयर मिला है मुझे 152 रुपए। और जो अभी तक मेरा ओला उबर दोनों में जो मेरा काम हो चुका है दोस्तों, वो हो चुका है लगभग 2500 रुपए का मेरा काम हो चुका है। अगर बात की जाए सीएनजी इसमें कितना लगा है, तो सीएनजी 550 का अपन निकाल सकते हैं कि इतने का हमारा सीएनजी जल चुका है अभी तक मेरी गाड़ी में। अगेन मैंने सीएनजी फिल करा लिया, 500 रुपए का सीएनजी और आया है, तो लगभग 750 रुपए की सीएनजी इसमें आती है एक बार में, तो इतने का मेरा काम हुआ है एंड अंदाजा लगा सकते हैं आप मुझे कितने रुपए सेव हुए हैं। ठीक है कमेंट। सो दोस्तों रात का व्यू थोड़ा सा अलग हो सकता है, दिन में कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रात में थोड़ा सा अच्छा नहीं करता, जस्ट अपनी कार की लाइट से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो कई सारे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें। दोस्तों नई गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो उसकी बात अलग है, पहले हम बात करेंगे पुरानी गाड़ी की। पुरानी गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में पुरानी गाड़ी मिलना इतना आसान नहीं होता, बहुत इजी भी हो जाता है कभी कभार, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी होता है। एंड सबसे पहले इसमें जो चीजें हैं वो है कि आप डीलर से ना फंसे, डीलर आपको बहुत महंगे दामों में गाड़ी थमा देता है और बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट में आपको गाड़ी फाइनेंस करवा के देता है, एंड गाड़ी की जो ओरिजिनल कंडीशन होती है वो आप कभी पकड़ ही नहीं पाते, इतना वो काम करा के उसको चालू काम, जिसको कहते हैं चालू काम, कुछ दिन के लिए ही करा के आपको दे देते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो पता नहीं पाओगे, आप अगर बहुत अच्छा इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो ही पता पाओगे। एंड उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुरानी गाड़ी में ये है कि आपको मार्केट वैल्यू में अगर कोई गाड़ी मिल जाए, सपोज कीजिए उसका मॉडल है 2018 और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू है, उस रेट में आपको कोई अगर अपना ड्राइवर भाई ही दे रहा हो तो वो फिर बेटर है आपके लिए, लेकिन मेरा यही सजेशन है डीलर में ना फंसे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डीलर हैं दिल्ली में आज बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लूट मचा रखी है। मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने बहुत सारे डीलरों को देखा था एंड उनका मुझे पसंद नहीं आया प्राइस एंड गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन, तो आपको ऐसी दिखा देते कि नई फेल है, लेकिन वही है दोस्तों आपके ऊपर ये आप कैसे गाड़ी ले रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, गाड़ी ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पुरानी गाड़ी लें, क्योंकि इससे पुरानी गाड़ी ना बहुत ही आपको बेकार इंजन मिलेगा उसका। आप मैं बताता हूँ इसका क्राइटेरिया, पर डे जो गाड़ी चलती है वो एक टैक्सी गाड़ी कम से कम 200 किलोमीटर चलती है, तो 700 कुछ दिन में आप लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ी चल चुकी होगी। ठीक है एक और मेरी ट्रिप आ गई है वसंत विहार के। सो दोस्तों अभी तक जो मेरा काम हो चुका है वो लगभग 2700 रुपये का काम हो चुका है, और अब हम बात करते हैं कि नई गाड़ी में क्या बेटर रहता है। देखो दोस्तों नई गाड़ी में सबसे बड़ा जो पंगा है ना वो खाली EMI का, अगर आप EMI उसकी झेल रहे हो यानी EMI उसकी आप बराबर पे कर सकते हो, तो नई गाड़ी में इंजन संबंधित और सारे पेपर संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नई गाड़ी बेस्ट गाड़ी होती है, चार से पाँच सालों के बीच में आपको गाड़ी में इतना कोई काम भी नहीं आता जो पुरानी गाड़ियों में काम मांगता रहता है, क्योंकि वो पुरानी गाड़ी होती है कभी कुछ खराब हो रहा है कभी कुछ खराब हो रहा है। मगर नई गाड़ी में एक ही थोड़ा सा इशू है कि उसका आपको हर महीने EMI देना पड़ता है और मेंटेनेंस तो बिल्कुल ही जीरो होती है, सर्विस आपको इधर भी करानी है सर्विस आपको उधर भी करानी है। बट वही है दोस्तों कि आपको कौन सा बेटर लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने जो पुरानी गाड़ी में ना फंसने का फैसला लिया उसका कारण ही यही था कि पुरानी गाड़ी पहली बात मुझे मार्केट से बहुत महंगे रेट में मिलेगी एंड मैं उसको जैसे ही चलाऊंगा कुछ दिन ही चलाऊंगा कि उसमें काम मांगने लगेगा, गाड़ी काम मांगेगी, कभी कुछ खराब हो रहा है कभी कुछ खराब हो रहा है सर्विस में, ठीक है, एंड सारी चीजें उसका महंगा ही पड़ेगा मुझे एंड रनिंग कॉस्ट भी महंगी पड़ेगी मुझे पुरानी गाड़ी की। नई गाड़ी की रहती है तो अच्छा माइलेज निकालती है, अच्छा पिकअप निकालती है, आप आराम से लंबी टूर भी ले सकते हैं, लंबी पिकअप भी ले सकते हैं और लंबा लंबी ट्रिप आप मारते रहिए और काम करते रहिए। बट पुरानी गाड़ी में क्या है, आपको लंबी ट्रिप लेने में सोचेंगे यार कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं रास्ते में फंस जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा सा इशू होता है ये। बस एक ही प्रॉब्लम है उसका EMI का, अगर आप EMI पे कर सकते हैं तो आप नई गाड़ी ले सकते हैं।
ये तो रही दोस्तों नई गाड़ी की एक छोटा सा ओवरऑल कि कैसे इसका पूरा सिस्टम होता है, लेकिन आप अगर इस पे कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, डिटेल वीडियो लिख दें, खाली मैं समझ जाऊंगा आपको इसके ऊपर, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एंड डिटेल वीडियो विथ बेस्ट कार ओला उबर, अगर ये आप चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट करें बेस्ट कार फॉर ओला उबर डिटेल वीडियो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अच्छी सी। और आने वाले समय में बहुत सारी परमिट से रिलेटेड वीडियो मेरी आने वाली है, सो वीडियो को जरूर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले नॉलेज ले पाए। टैक्सी लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए, मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है उनको देख लीजिए फिर ही आइए, क्योंकि आप बाद में फिर ना पछताएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेस्ट रहेगा। सो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।